आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा आई है। बढ़ते खबरों की शुरुआत। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर बोले सत्र अच्छा लेकिन धरातल भी कुछ होना चाहिए। सरकार जारी करे एक श्वेत पत्र, एक साल में कितने आरक्षक वर्ग और अन्य को नौकरी दी। जेएस के विधायक हीरालाल अलावा के युवाओं को आगे आके मौके में जुड़ने का किया ट्वीट। राज्य सरकार में विधायक की सुनने वाला कोई नहीं, हीरालाल जिस वर्ग की बात कर रहे उसे इस सरकार ने उपेक्षित किया। मेरी जानकारी में आया है कि दो दिवसीय आरक्षण को लेकर सत्र बुला रहे हैं। अच्छा है, सत्र भी होना चाहिए, पास भी होना चाहिए, लेकिन धरातल पर भी कुछ होना चाहिए। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कमलनाथ जी से, कि इस सत्र का उपयोग हम बहुमुखी आयामों के लिए करें। एक श्वेत पत्र ये भी जारी करें इस सत्र में कि इस एक साल के अंदर जो साल बीत गया उसमें कितने आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी मिली, कितने सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी मिली, कितने पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी मिली। सिर्फ कागजों पर या घोषणाओं पर या वादों पर या नारों पर सरकार चलाना, ये शगल जो जनता की राय इस सरकार के बारे में बनती जा रही है तो वो खंडित होगी। और इसलिए शासकीय सेवाओं में कितने इन्होंने नौकरी दी, ये श्वेत पत्र जारी करें, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ।